जय गुरुदेव। आज का यह संस्मरण बड़ा ही दिलचस्प है और बहुत ही पुराना है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चार प्रांतों का काफिला निकला था तो उसमें गुजरात प्रांत में गुरु भाई मनु पटेल ने काफ़ी प्रचार किया था, जैसे पर्चे, पोस्टर, गाड़ी, पेट्रोल आदि सभी चीज़ों का भरपूर उपयोग रहा और सब कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग भी की गई। तो काफिले के एक यात्री ने बताया, एक स्थान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक भाई से पूछा, आगे कहाँ पर कार्यक्रम है? दोपहर का समय था और परम पूज्य स्वामी जी महाराज करीब 7 से 8 जगहों पर पहले ही सत्संग कर चुके थे। तो गुरु भाई मनु पटेल जी ने सोचा कि आगे 50-60 मील तक जंगल ही जंगल है, उधर कोई मिलेगा नहीं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि मालिक, आगे जंगल ही जंगल है, आप गाड़ी में आराम कीजिए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर गाड़ियों का कारवा चल पड़ा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियों में पीछे की सीट पर लेट गए और आराम करने लगे। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि शोरगुल सुनाई पड़ा। तो स्वामी जी महाराज उठकर बैठ गए और खिड़की से देखने लगे। तो खिड़की से देखा तो सड़क के किनारे आदिवासी थे, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सभी थे। किसी के हाथ में नारियल था तो किसी के हाथ में बर्तन में दूध तो किसी के हाथ में फल थे। और परम पूज्य महाराज को सभी लोग बापू बापू कहकर सभी लोग चिल्ला रहे थे। और सबको देखकर स्वामी जी महाराज ने वहीं पर गाड़ी रुकवा दिया और गाड़ी से नीचे उतर पड़े। स्वामी जी महाराज नीचे क्या उतरे, सभी लोग पैर छूने के लिए स्वामी जी महाराज पर टूट पड़े। गाड़ी की बोनट पर दूध बहने लगा, फल फूल नारियल सब लोग स्वामी जी महाराज को अर्पण करने लगे। स्वामी जी महाराज भी सबके सिर लगे और सभी कोल भील खुशी के मारे नाचने लगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था, बहुत ही अद्भुतपूर्व। अपनी वेशभूषा में, वस्त्रों में और वस्त्रविहीन रहन सहन के जो कोल भील थे वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि बापू हमें भूल ना जाना। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन सब का खूब आशीर्वाद दिया। फिर स्वामी जी महाराज ने गाड़ी की सभा संभाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और थोड़ी दूर पर सड़क किनारे कोल भीलों का जनघंट घंटों से स्वामी जी का इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। और स्वामी जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते रहे। जिसके सिर पर स्वामी जी महाराज का हाथ पड़ता तो वो बाग बाग हो जाता। परम पूज्य महाराज ने एक प्रेमी से कहा कि अपनी गाड़ी सब गाड़ियों के पीछे ले जाओ और इन लोगों से बातचीत करते हुए आओ। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश पाकर उस प्रेमी ने वही किया। जब काफिले की सारी गाड़ियाँ निकल गईं तो वह सत्संग प्रेमी गाड़ी से उतर गया। जय गुरुदेव नाम का झंडा गाड़ी पर लहरा रहा था। तो उसने कोल भीलू से पूछा, बाबा जी के आने की खबर तुम्हें कैसे लगी? तो उन कोल भीलू ने बताया, 6 से 7 दिन पहले ये बाबू मेरे गाँव में आए थे और बोला था कि आज के दिन सड़क पर मिलना, हम आएंगे। तो हम सब बापू का यहाँ पर कई घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। उन कोल भीलों के मुंह से यह बात सुनकर सत्संग प्रेमी तो दंग रह गया। शाम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मनु भाई से कहा कि तुम तो कह रहे थे कोई जंगल का रास्ता है, कोई मिलेगा नहीं, पर सड़क पर लोगों का तांता लगा हुआ था। तो मनु भाई ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्त्री मुख से ये शब्द सुनकर वहीं उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मालिक, मैंने प्रचार किया था और मुझे मालूम था कि कहाँ क्या क्या है, जंगलों के अंदर कहाँ से इतने लोग आ गए मुझे नहीं पता, इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप अपना प्रचार स्वयं करते हैं इसका मुझे पता नहीं था, इंसान के बस की बात नहीं है, ये आप ही जाने, ये आपकी मौज है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज मनु भाई की ये बात सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और चुप हो गए। तो ऐसी अजब गजब लीला है परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, जो आम इंसानों की कल्पना से परे है। आप सभी को जय गुरुदेव।